Hi guys, welcome to my channel, the Fusion YouTuber. I'm Diya Chawla, and today in this video you're gonna see my birthday glow up. So let's get started. So in this glow up, सबसे पहले step है body scrub, because उसके बाद होगा body waxing, and उस time पे अगर हमारी body पे dead skin cells होते हैं तो बहुत ज़्यादा pain होता है wax होने से. So I can't afford that pain. मतलब इतना वाला ज़्यादा वाला pain afford नहीं कर सकती. So पहले वाला step है body scrub, and for that I'm using दिस एम कैफीन का छोटा वाला. मतलब ये ट्रायल मिला था आई थिंक मुझे फ्री, मैंने मंगाया था सिरम तो उसके साथ मेरे को ये मिले थे फ्री. ये है एम कैफीन की कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, नेक एंड रो बॉडी स्क्रब. इससे मैं करूँगी बॉडी स्क्रब, एंड आफ्टर डैट इसमें है एम कैफीन का नेक एंड रो कॉफ़ी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, जो कि मैं अप्लाई करूँगी मैनीक्योर करने के बाद. जब भी आप बॉडी को स्क्रब करो ध्यान में रखो कि आपके जो मतलब आप स्क्रब करने वाले हो उससे पहले आपकी बॉडी होनी चाहिए अच्छे से वेट, स्पेशली इसको यूज़ करने से पहले. ड्राई स्किन पे कभी भी स्क्रब नहीं करनी चाहिए, उससे रैशेज एंड पता नहीं क्या क्या हो सकता है. सो अब भी बॉडी को वेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस रोज़ वाटर, जिसको मैंने स्प्रे बॉटल में डाल रखा है. आप चाहो तो पानी से भी अपनी बॉडी को वेट कर सकते हो. My body scrubbing and waxing is also done. Now I'm gonna dip my hands in this water, जिसमें आपको करना क्या है मतलब quick manicure है, जिसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है गर्म पानी और उसमें डालना है थोड़ा सा शैम्पू या शार्जर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको डाल के आपको कर लेना है अपने हैंड्स डिप. हाँ, ये वाटर रेडी है. अब मैं इसमें करने वाली हूँ अपने हैंड्स डिप, एंड इसके बाद मैं इस स्क्रबर टाइप ब्रश के साथ में अपने नेल्स एंड हैंड्स को भी हल्का हल्का साफ कर लूँगी. आफ्टर डूइंग माई क्विक मैनिक्योर नाउ आई एम यूजिंग दिस बॉडी लोशन फ्रॉम गुड वाइब्स, और ये है उनका शिया बटर वाला बॉडी लोशन, और इसके साथ में अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज कर लूँगी, एंड सारा जो मॉइस्चर है जो भी क्लीनिनेस थी वो सारी मैं लॉक कर लूँगी. बॉडी स्क्रबिंग वैक्सिंग एंड मैनीक्योर के बाद बेसिकली करना तो मेरे को चाहिए कि मैं अपना नेल्स बनाऊँ, मतलब नेल पेंट वगैरह लगाऊँ एंड नेल्स को प्रॉपरली शेपन अप करूँ. बट आई एम स्किपिंग दैट पार्ट फॉर द एंड, एंड मैं करूँगी बड़े आराम से, बिकॉज आई वॉन्ट मेरी नेल पेंट ख़राब ना हो जाए. सो वो वाला पार्ट होगा एंड में. एंड नाउ आई एम जम्पिंग टू माई फेस क्लीन अप, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्लिनजिंग करने वाली हूँ, नथिंग एल्स. उसमें स्क्रब क्लिनजिंग स्क्रबिंग एंड पैक होगा जस्ट. सो फेस क्लीनअप के लिए सबसे पहले लाइनर लिपस्टिक को रिमूव करना है एंड बन बनाना है, सो डैट ना क्लीनअप थोड़ा अच्छे से हो जाए, कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो, बाल इंटरफेयर ना करे. एंड फॉर डैट मतलब अपने लाइनर को रिमूव करने के लिए एंड अपने लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए आई एम यूजिंग दिस गार्नियर का माइसेलर क्लिनजिंग वाटर ऑन दिस क्लॉथ माइक्रोफाइबर फैब्रिकल आई डोंट नो भूली वो वाला क्लोथ है कि उसके साथ मैं अपना लाइनर एंड लिपस्टिक रिमूव कर लूँ. अभी फेस के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है फेस वॉश, और उसके लिए पहले तो आपको फेस वेट करना पड़ेगा. आई एम यूजिंग रोज़ वाटर, एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स लेमन ब्राइटनिंग फेस वॉश, वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश, और मैं इसको कभी भी यूज़ कर लेती हूँ, मेरे को सर्दी गर्मी का कुछ नहीं है. फेस वॉश करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रब का, एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक मिनरल ग्लो स्क्रब, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माइल्ड एंड राइट नाउ आई हैव एक्ने हेयर. सो अगर बाय चांस गलती से वहाँ पे भी मेरा हाथ लग गया और बाय चांस स्क्रब पार्ट कर वहाँ पहुँच गए, तो ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा जितना बाकी के स्क्रब्स करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन.
आफ्टर स्क्रबिंग योर फेस लास्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग में फेस मास्क का, एंड आई मेड दिस DIY फेस मास्क जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, रोज पेटल पाउडर एंड नीम पाउडर। उसके बाद आपको चाहिए हनी और रोज़ वाटर, इसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट के फॉर्म में लाने के लिए। आई एम यूजिंग मुल्तानी मिट्टी बिकॉज वो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करती है, रोज़ पेटल पाउडर बिकॉज वो स्किन को अच्छे से सूट करती है, नीम पाउडर बिकॉज मेरे कुछ एक्ने हो रखे हैं, एंड हनी बिकॉज इस विंटर टाइम पे स्किन को थोड़ा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड रोज़ वाटर स्किन के pH लेवल को बैलेंस करता है। दैट्स वाई ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैंने मिक्स करके ये वाला फेस पैक बनाया है, एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी। मास्क एप्लीकेशन इज डन। अब इस मास्क को मैं रखूंगी 15 टू 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे, एंड देन मैं इसको कर लूँगी ठंडे पानी से वॉश, एंड दैट्स हाउ माय फेस लुक्स लाइक आफ्टर वॉशिंग। सो फ्रेश फ्रेश ग्लोइंग। नाउ आई एम लॉकिंग ऑल द थिंग्स आई डन विद डेली स्किन केयर वाली रूटीन। टोनर के थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद मेरे फेस पे अभी प्रॉपरली नहीं हुआ है, बट उसको थोड़ा वेट रखना है। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस गुड वाइफ का रोज हिप सीरम या ग्लो सीरम को अपने हाथों पे लेके पाम पे एक्चुअली अच्छे से रब करते हुए इसको थोड़ा वार्म करना है, एंड देन अपने फेस पे अप्लाई करना है। डैबिंग मोशन फर्स्ट, एंड देन इसको मैं बहुत लाइटली मसाज करूंगी। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस वादी हर्बल स्ट्रॉबेरी लिप बाम, दिस इज माय फेवरेट। Now for the moisturizer, I'm using this aloe cucumber aqua gel from Ashore brand, and इसका review बहुत जल्दी आने वाला है, so stay tuned. And yeah, that's it for the birthday glow up. I hope you find it helpful and useful for your birthday or any occasion, any function, anything. I hope so. If yes, then like this video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel also.